हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं। पिज्जा हट स्टाइल गार्लिक चीज ब्रेड बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत यम्मी लगती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 पीस लहसुन के छील लिए हैं। एक हरी मिर्च मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखी है। एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लगभग 70 ग्राम के आसपास बटर लिया है और 150 ग्राम के आसपास मैंने चीज ली है जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लहसुन को कूट लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को कूट लिया है। बहुत ज्यादा बारीक हमें लहसुन को नहीं करना है। आइए अब हम सबसे पहले बटर को गर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन छोटा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं बटर को डाल दूंगी। और जो हमने लहसुन मोटा मोटा कूट के रखा है वो भी हम इसी में डाल देंगे। और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बटर पिघलने लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन बहुत अच्छे से पक चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए छोटे साइज के बन लिए हैं, बर्गर ब्रेड भी बोलते हैं इसे हम। इसको हम कट कर लेंगे। मैं इसका ऊपर का पार्ट जो है इसको एकदम अलग हटा दूंगी। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हम सभी ब्रेड को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी ब्रेड के पीसेस कर लिए हैं। अब हम इस पे जो हमने बटर मेल्ट किया था उसको लगा देंगे। आप चाहें तो चम्मच से लगा सकते हैं, वरना आप इसको सिलिकॉन ब्रश जो आती है उससे भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी पीसेस पर बटर लगा दिया है। अब हम अनियन लगा देंगे। जो बारीक चॉप्ड ऑनियन था उसको थोड़ा थोड़ा हम इस पर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पीस पर अनियन लगा दिया है। अब हम इस पर ग्रीन चिली भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पीसेस पर अनियन और ग्रीन चिली डाल दी है। अब हम इस पे क्रश करा हुआ चीज भी डाल देंगे और बहुत अच्छे से डालना है हमें चीज। फ्रेंड्स, मैंने सभी पीसेस तैयार कर दिए हैं। सभी पर चीज मैंने बहुत अच्छे से लगा दी है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए आप माइक्रोवेव का यूज में ले सकते हैं या आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी सेक सकते हैं। मैं यहाँ पे बाटी कुकर का यूज में लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाटी कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें सारे पीसेस को सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे पीस बाटी ओवन में रख दिए हैं। इसको मैं ढक दूंगी और कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे।
फ्रेंड्स 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, आइए देखते हैं। देखिए चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और सारी ब्रेड्स हमारी सिक करके तैयार हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स चेक करते हैं, बहुत अच्छे से सिक गया है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में तो। ये सारे ही पीस तैयार हो गए हैं, आइए अब हम इसको ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी चीज ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पीसेस पर चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, बहुत ही यम्मी लग रही हैं। तो प्लीज आप बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।